दोस्तों आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक दुखी खबर सुनने को मिल रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आज एक शानदार एक्टर को हमेशा के लिए खो दिया है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया है। उनकी यूं अचानक डेथ ने फैंस को काफी ज्यादा दुखी कर दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फेमस बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मिथिलेश चतुर्वेदी के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों मिथिलेश का फुल नेम मिथिलेश चतुर्वेदी था। प्रोफेशन एक फिल्म और थिएटर एक्टर थे। मिथिलेश का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और 2022 के हिसाब से 67 ईयर्स के हो चुके थे और 3 अगस्त को उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो चुकी है। मिथिलेश को यंग एज से ही एक्टिंग का काफी ज्यादा शौक था। वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए थिएटर में एक्टिंग किया करते थे। दोस्तों मिथिलेश ने अपने कॉलेज की पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से की थी। बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों मिथिलेश का ताल्लुक ब्राह्मण परिवार से था। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम निहारिका चतुर्वेदी है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। मिथिलेश ने 1990 के दौर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया था। मिथिलेश ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1997 की फिल्म भाई भाई से की थी। इन्होंने कई सारी पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज में काम किया था जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम है सत्या, ताल, फिजा, कोई मिल गया, क्रिश, फटा पोस्टर निकला हीरो, अजब प्रेम की गजब कहानी और मोहल्ला ऐसे के अलावा भी कई फिल्में शामिल हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि मिथिलेश ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरीज एड्स, शॉर्ट्स, प्लेस और वेब सीरीज में भी काम किया था जिनमें से इनके सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल का नाम है नीली छतरी वाले। दोस्तों अब ये लेजेंडरी एक्टर हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों आपको मिथिलेश चतुर्वेदी की डेथ के बारे में सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मिथिलेश के घर के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक शानदार घर है जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे और आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इनके घर की कुछ झलक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इनके पास एक रेड कलर की ओडी RS5 थी जिसकी प्राइस है 1.9 करोड़ रुपीज। इसके अलावा इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर भी थी जिसकी प्राइस 37.38 लाख रुपीज है। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज बेंज GLS भी थी जिसकी प्राइस 2.47 करोड़ रुपीज है। दोस्तों बात करते हैं इनकी इनकम की तो ये एक मूवी में काम करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए लेते थे। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और एड से आती थी। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 40 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों ये थी मिथिलेश चतुर्वेदी की लाइफस्टाइल वीडियो। दोस्तों अगर आप मिथिलेश चतुर्वेदी के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।